गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग ब्लैक बक देखने आए हैं। दूर हमें मेल ब्लैक बक दिखा है, देखते हैं भी होप्स हो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। हाँ, एक नीचे भी बैठा है रवि सर, ये नीचे बैठा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, वो कहाँ भागा जो दिखा था अभी अपने को? वो है हाँ, वो पेड़ के नीचे में यहाँ पे बैठा है। हाँ, वो भागा क्या जो दिखा था कि वही है बैठ गया? हाँ, वही वाला है बैठ गया तो शायद। चलते ही हाँ, वो पेड़ के नीचे दिख रहे। पेड़ के नीचे खेल रहे। हाँ, मारेंगे सामने से, चलो ना। हाँ, ये तो है। हाँ, तोच है, तोच है, पड़ाला वगैरह नहीं है, बसला है खाली। अभी अभी हमको दिखे है एक ब्लैक बग, ये यहाँ बैठा है बंदी में। ये देखिए नीचे में बैठा है, यहाँ पे मेल बैठा है और दूर उधर में झुंड है। झुंड में तकरीबन 10-15 से ज़्यादा दिख रहे हैं, और एक मेल भी है शायद वहाँ पे। कल हम लोग आए थे लेकिन कल मज़ा नहीं आया, इसलिए आज फिर से आए हम लोग। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम लोग, शायद हमको देख के भाग भाग भी सकते हैं वो। इसको पता लग गया कि हम इनके लिए आए करके। हाँ, बहुत ही सुंदर, क्या बात। बड़े रिलैक्स मोड में है ये, वाह। दोनों खड़े हो गए अभी, बहुत बढ़िया। अभी उनको पता लग गया कि हम उनके लिए आए करके। इसलिए भाग रहे दोनों। ये देखो मेल कैसे चल रहा है, एकदम शांति में, ऐट में चल रहा है, किसी का डर नहीं। वहाँ पे कुछ ईगल भी है बड़ा, उड़ गया। यहाँ पे हमें ब्लैक शोल्डर काइट दिख रहा है, तो काफ़ी सुंदर है, शायद किसी शिकार की तलाश में है। आमतौर पर ब्लैक बक काफ़ी शर्मीले होते हैं, वो इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं, जैसे ही किसी इंसान को देखते हैं तो फौरन उनसे दूरी बनाए रखते हैं और दूर जाके खड़े होकर फिर उन्हें देखते रहते हैं। मैंने जब भी ब्लैक बक देखा है एक सीमित दूरी बना के रखी है उनने। मैं डरते भी हैं इंसानों से, फिर भी उन्हीं की खेती में रहते हैं। इस झुंड में काफ़ी सारे फीमेल्स हैं, कोई भी मेल्स नहीं है। जब हम ब्लैक बक को देख रहे थे तो हमें यहाँ पे कुछ सिल्वर बीन्स भी दिखाई है, जो हमेशा काफ़ी संख्या में रहती है कहीं पर भी। काफ़ी सुंदर बर्ड है ये। यहाँ पे अभी अभी हमने एक गार्डन लिजर्ड भी देखा है, जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है
और काफी एक्टिविटी भी कर रहा है वो। क्या बात है, क्या मूवमेंट कर रहा है वो। आमतौर पे गार्डन लिजार्ड जो है वो कहीं भी आसानी से पाए जाते हैं, हमेशा ये कई गार्डन में, कई बगीचे में या फिर कई खेती में, किसी भी पेड़ पे, जमीन पे रहते हैं और अपना रंग बदलने में माहिर होते हैं। कुछ भी कीड़ा है, कुछ भी मुझे खा लेते हैं, कभी कभी मिट्टी भी खा लेते हैं। इनकी विशेषता ये है कि खुद को ये अपने वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, अपना कलर रंग बदल लेते हैं। ये देखिए, अभी हम बात कर रहे थे और अभी इसने अपना थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लिया है, काफ़ी बड़ा भी है ये। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर भी। यहाँ पे हमें अभी और एक बर्ड मिला है जिसका नाम है रफस पंटेड पिनिया। आमतौर पे पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है, काफ़ी छोटा और सुंदर बर्ड है। हम लोग अभी ब्लैक बग के काफ़ी नज़दीक हैं, इतने नज़दीक से ब्लैक बग हम पहली बार ही देख रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे ये किसी को अपने पास आने नहीं देते हैं। इनको अभी हमसे कोई डर नहीं लग रहा है, इसलिए देखो अभी यहाँ पे खड़े हैं और खड़े होकर देख रहे हैं हमें। उनको अभी पता लग गया है कि हम उनको कुछ करने वाले हैं नहीं, और उनको हमसे कोई खतरा भी नहीं है, वो समझ गए हैं। देखिए क्या शानदार है, तीनों के तीनों मेल है, काफ़ी यंग मेल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सबरे सबरे इनको ऐसे देखने में कितना मज़ा आ रहा है। अभी उन्हें अभी ज़रा भी डर नहीं लग रहा हमसे। हम दोनों लोग अपना कैमरा लेके खड़े हैं उनके पास। अभी ये भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे, लेकिन जा रहे हैं। फिर भी जिस तरह से वो इंसानों को देख के भागते हैं उस तरह से नहीं भाग रहे हैं। हम अभी भी काफ़ी नज़दीक है उनके। ये फिर से वही पिनिया, ब्लैक बक का पीछा करते करते अभी दूसरे खेत में आ गए। यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है खेतों में और काफ़ी संख्या में हमने यहाँ पे कैटल ग्रेड देखे थे, जो हमेशा आमतौर पर खेतों में रहते हैं। जब भी खेतों में बुआई या काम करता है खेती में, तो वहाँ पे हमेशा खाना हो जाता है, बाकी हमेशा अपना खाना रहता है। यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है, उसके पीछे पीछे इतने नज़दीक से कैटल ग्रेड काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। ये तो आमतौर पर हमेशा कहीं भी दिखते हैं, लेकिन इनको अभी कैमरा में जब कैद कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी नज़दीक है मेरे से और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ब्राह्मणी स्टारलिंग भी दिखा हमको वहीं पर, वो भी खुद के लिए खाना तलाशने में बिजी है। ये कॉमन ही बर्ड है, ये कहीं पर भी पाया जाता है। आमतौर पर आप जंगल में जाएंगे वहाँ भी दिखेगा, खेतों में भी दिखेगा, आपके घर के आसपास में भी दिखेगा। छोटा सा बर्ड है लेकिन काफ़ी सुंदर बर्ड है। ये भी फिलहाल कैटल ग्रेड के साथ खाने में पीजिए, खाना होने में। यहाँ पे हमें ये ग्रीन बीटल भी दिखा है, ये भी कॉमन ही बर्ड है, हमेशा दिखता है कहीं भी। नदी के किनारे में ज़्यादा रहता है, सुंदर दिखता है, तालाबों के पास, रेगिस्तान में भी रहता है। पीछा करते करते अभी हम लोग एक जो दो ब्लैक बक थे वो हमसे मिस हो गए, एक ही बचा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये ब्लैक बक का जो सफारी है आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह हम अगली बार भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, गुड बाय।
फॉर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो पूरा देखिए। हमने जो सफारी किया है उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हमने वीडियो के जरिए शेयर किए जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। देखिए, पूरा देखिए वीडियो आप। थैंक यू।